तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने प्रोडक्ट को फेसबुक पे कैसे प्रमोट करोगे फेसबुक पेज पे। इससे पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि कैसे आप फेसबुक से अर्निंग कर सकते हो प्रोडक्ट्स को सेल करके, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ सिर्फ मैं ये बताने वाला हूं कि आप पेज पे कैसे बिना किसी समस्या परेशानी के आप फेसबुक में चीजों को लिस्ट करके, फेसबुक पेज में लिस्ट करके आप कैसे वहां से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। और ये बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहना ताकि आपको कुछ वैल्यू मिल सके। और अगर आप नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बिना लेट किए हुए चलते हैं सीधा उस पेज पे जहां आपको मैं एग्जाम्पल देके सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, इस पेज को तो आप जानते ही होगे, तो आप चाहो तो यहाँ मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, सो अब ये जो पेज है इसका नाम है मामा अर्थ। मामा अर्थ या मामा अर्थ भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये एक पेज है और ये सर्टिफाइड पेज है फेसबुक के तरफ से। एक चीज और मैं बता दूं गाइस, अगर आप फेसबुक में कुछ आलतू फालतू लिंक यूज करोगे अपने पेज में या सिर्फ लिंक यूज करोगे अपने पेज में, तो फेसबुक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है आजकल, और फेसबुक आपके कंटेंट को और पेज को ब्लॉक कर दे रहा है। मेरे रिसेंटली एक पेज ब्लॉक हो चुका है जिसका मैंने बहुत मतलब बहुत कोशिश की है उसको खुलवाने की, ओपन अगेन करने की, लेकिन अभी ओपन नहीं हो पा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों को बताना जरूरी है, तो इसलिए ही ये वीडियो भी बन रही है, और कैसे अब लिस्ट करना है प्रोडक्ट को इसलिए भी ये वीडियो बन रही है। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको शॉप नाउ का बटन कैसे ऐड करना है, तो शॉप नाउ का बटन जरूर से ऐड कर लें, यहीं से सारे काम स्टार्ट होते हैं। दूसरी चीज कि आपको यहां अपना वेबसाइट का लिंक भी ऐड करना है अगर आपके पास वेबसाइट है। नहीं है तो अपने फेसबुक का आप प्रोफाइल ऐड कर दो या अपने इंस्टाग्राम का ऐड कर लो जहां पर आप और भी प्रोडक्ट लिस्ट किए हो या किसी चीज को लिंक करना चाहते हो, लेकिन ऐड जरूर करना, ठीक है। इससे काफी ज्यादा फायदा होता है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, यहां बात करने वाले कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, ठीक है गाइस। वैल्यू 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 सेल, वैल्यू 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 सेल। मैंने क्या कहा, वैल्यू 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 एंड सेल। मतलब अगर आपको एक सेल चाहिए तो आपको तीन चार बार वैल्यू देनी होगी। वैल्यू मतलब नॉलेज, आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और जो भी उसके आजू बाजू जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज देनी होगी तीन चार बार, और पांचवी बार जाके आपको अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना होगा सेलिंग के लिए। अब मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। देखो यहाँ लिखा है फीड योर हेयर बेटर, ठीक है। यहाँ एक इन्फोग्राफिक है, इसको इन्फोग्राफिक बोलते हैं जो आपका मतलब एक चीज में तीन चार चीजों के बारे में दिया रहता है, ठीक है। यहाँ कोकोनट ऑयल दे रहा है, एग दे रहा है, बनाना दे रहा है। ऐसे ही आपको क्रिएट करना है जिसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो, उस सॉफ्टवेयर का नाम है कैनवा। कैनवा के बारे में मैंने पहले भी बताया और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को कैनवा के बारे में पता होगा जो जो ऑनलाइन में काम करते हैं। तो कैनवा से आप ये सारी चीजें बना सकते हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ईजी होती हैं। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करना, आपके लिए कैनवा के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर किया करो और थोड़ा कमेंट किया करो, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलो यार, प्लीज लाइक किया करो, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आता हूं। तो यहां आप तुरंत ऐसे आप बना सकते हो, और एक जैसे ऐसा डाला आपने, फिर ये बता दिया डेट इज हियर योर टू डू लिस्ट, ठीक है। मतलब ये क्या चीज है, मामा अर्थ। मामा अर्थ मतलब, मामा अर्थ मतलब मम्मी के अकॉर्डिंग, माँ के अकॉर्डिंग हो गया। तो उन सब चीजों के बारे में ये वैल्यू और पोस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते जाओ इन्होंने क्या क्या किया है। ये इनका शॉप का बटन का है, ठीक है। शॉप जो बटन मैं आपको बताया हूँ, ये शॉप के बटन से आ रहा है ये सब, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि शॉप को लिस्ट कर दो ताकि यहाँ आपको डायरेक्ट चीजें देखने मिले लोगों को, ठीक। तो अब ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ फिर से एक इन्फोग्राफिक यूज किया है, तीन चार हो गए, ठीक है। वैल्यू आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। अब देखो यहाँ इन्होंने क्या यूज किया, ठीक है। ये लिंक आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुका है लिंक यूज करना पेजेस में, तो ये प्लीज यूज ना करो। आप सीधा लिखो कि लिंक इन फर्स्ट कमेंट, और यहाँ फर्स्ट कमेंट में आके लिंक दे दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने गेम खेल दिया, इतने सारे वो चीजें दी, वैल्यू दी, लेकिन यहाँ एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया कि 500 रुपये में प्रोडक्ट है, और लिख दिया ये कुछ निप्पल है उसको यूज करने के लिए, निप्पल बटर करके कुछ प्रोडक्ट है उसका यूज करना बताया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने प्रोडक्ट डायरेक्ट लिस्ट कर दिया है, गेट वन फ्रॉम और लिंक दे दिया, ठीक है, और 500 रुपये का प्रोडक्ट लिख दिया। अब जैसे लोग इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे, आपको पता ही है कि किसी वेबसाइट पे चल जाएंगे जहाँ से ये चीज़ खरीद सकते हैं। तो इतना वैल्यू दिया और ये चीज़ दी, लेकिन वैल्यू कैसे दे रहे हैं, इन्फोग्राफिक, जैसे कि इसमें समझ में आ रहा है बर्न योर फैट नेचुरली, ठीक है। अब आपको अपना जो फैट है, फैट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मोटापा। अब जो आपका मोटापा है वो जो है उसको बर्न करना है, तो आप इन चीजों का यूज कर सकते हो, ठीक है। एक
एक पोस्ट में समझ में आ जा रहा है, तो आपको भी ऐसा ही पोस्ट क्रिएट करना है। एफिलिएट के लिए गाइस बहुत इजी सी चीजें होती हैं, बस आपको लगता है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है या बहुत ही डेंजरस है या बहुत ही हार्ड है, टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ईजी होता है, बस गेम खेलना रहता है। देखो यहाँ पर भी वही चीज इन्होंने किया है, यहाँ पर भी एक चीज भेजी है, गेट योर फेवरेट सेट प्रिंटेड फॉर योर ट्विंस। ठीक है, अब यहाँ बच्चों के लिए उन्होंने वो बेच रहे हैं कि ट्विंस के लिए, बेसिकली ये पेज भी उसी के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोले, बेच रहे हैं कपड़ा। अब ये कपड़े में कोई लिंक विंक नहीं है, तो आप बोलोगे कहाँ से ये खरीदने वाले हैं, तो वो जो शॉप का बटन है ना वहाँ, या तो इनको नीचे कमेंट करेंगे तो वो आपका कमेंट पिक करके आपको आपका ऑर्डर लेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ इन्होंने किया है, ठीक है, और ऐसे ही नीचे किया है। ठीक है, तो मैंने कल आपको वीडियो का बताया था, इसलिए आज मैं इमेज का बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर भी देखो इन्होंने यही किया है, क्लीन अप एवरी डे डस्ट एंड डर्टी विथ ममा अर्थ। ठीक है, चारकोल फेस वॉश, तो ये सब जो है चारकोल फेस वॉश का इन्होंने कहा, और 249 का ये रुपीज है, और कहाँ से खरीदना है, शॉप नाउ के बटन से। शॉप नाउ के बटन पे जब जाएंगे अपन तो वहाँ सारी चीजें हो जाएंगी। तो आपको भी ऐसे ही करना है, वैल्यू वैल्यू, सिर्फ चीजें मत बेचना, वैल्यू देना, कुछ गुड थॉट्स लिखना। ठीक है, ये देखो, और हैशटैग का यूज करना, 3 4 5 6, ठीक है, 30 हैशटैग तक का यूज कर सकते हो आप, लेकिन 10 बहुत होते हैं। ठीक है, 10 या 4 5 कम ही रखना तो ज्यादा अच्छा है। तो पहले वैल्यू 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 और फिर प्रोडक्ट सेल, वैल्यू 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 प्रोडक्ट सेल। और मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि आपको ज्यादा फॉलोअर्स की, लाइक्स की जरूरत नहीं है, बिना लाइक्स के भी आप सेल ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, तो आपको वो जो एक दिन पहले मैंने जो वीडियो दिया था कि 3,000 रुपए डेली के आप कमाना स्टार्ट कर सकते हो फेसबुक पेजेस से, तो वो जाके आप जरूर चेक करना। अब मैं शॉप नाउ का बटन दिखा देता हूँ, शॉप नाउ का बटन खुल रहा है। तो देखो गाइस, जैसे मैंने शॉप नाउ पे क्लिक किया, तो इन्होंने शॉप नाउ के बटन में एक अपने वेबसाइट की लिंक ऐड कर दी। ओके, शॉप नाउ के बटन में, तो ये डायरेक्ट आप यहाँ आ जा रहे हो और इनके वेबसाइट पे आ जा रहे हो, जो भी इनका मामा अर्थ है, और ये चीज आपको दिख रही है। ओके, तो ये चीज आपको दिख रही है, तो ये इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप शॉप नाउ के बटन में भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप सीधा वहां जाओगे, फिर उसके बाद वहां से क्लिक करोगे तो वहां ही आओगे, मतलब इनडायरेक्टली आप वहीं पहुंचोगे। तो इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये आपको यहाँ पर नहीं करना है डायरेक्ट। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ करना है, मतलब जहां आपने डायरेक्ट देना चाहते हो, लोगों को डायरेक्ट पहुंचाना चाहते हो, वहीं इसको यूज करना है डायरेक्ट। नहीं तो अगर शॉप नाउ पे आप करोगे तो आपको पहले वहां एक सेटअप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपके कोई वेबसाइट पे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इन्फोग्राफिक्स का यूज करो, अगर वीडियोस का नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, लेकिन वीडियोस का करोगे तो ज्यादा सेल्स निकलेगी। ठीक है, तो ये देख लो, सब सब इन्फोग्राफिक्स है, सब इन्फोग्राफिक्स है, और ये बहुत ही ज्यादा इजी है, और ये ही सब सारी चीजें सेल लेके आती हैं। तो याद रखना, वैल्यू 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 एंड सेल, वैल्यू 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 एंड सेल, ऐसे करके काम होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।